नमस्कार मित्रों, इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मेरे बगल में बहुत सारे मटके आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो मेरे घर में मटके निकलते हैं पूजा वगैरह में जो यूज किया जाता है, तो साल में 2-4 मटके तो हमारे घर में आ ही जाते हैं इस तरह से। तो इन मटकों का मैं अपने गार्डन के लिए कैसे यूज करती हूँ, आज का टॉपिक वही है। और आप लोगों के घर में भी इस तरह से मटका आता होगा तो आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो आप अब से फेंकिए नहीं, या मतलब गर्मी के दिन में बहुत सारे लोग जो है कि मटके का पानी पीना पसंद करते हैं। तो बहुत सारा मटका लाते हैं बाज़ार से पैसे दे करके, तो प्लीज़ उसे उस मटका जो ख़राब हो जाए आपका, तो उस मटके को आप फेंके नहीं। यदि आप पौधा लगाए हुए हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मेरे ही तरह से आप अपने सारे मटकों का यूज करें। तो चलिए आज जानते हैं कि इन मटकों का मैं अपने गार्डन के लिए कैसे यूज करती हूँ। मैं जिस चीज़ से भी कंपोस्ट बनने के लिए रखती हूँ इन मटकों में, तो इन मटकों को यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर करकट है और यहाँ पर धूप नहीं लगती। क्योंकि आपको मैं बताती हूँ कि अपने किचन वेस्ट या किसी चीज़ से भी जब आप कंपोस्ट बनाएं तो उसे छायादार स्थान पर रखें। तो मैं इन सारे मटकों को यहीं छायादार स्थान पर रखती हूँ, इनमें बहुत ही अच्छी तरह से कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाता है। घर से निकले हुए खराब मटके का मैं देखिए 2 तरह से यूज करती हूँ। एक तो ये मिट्टी का होता है और बहुत ही अच्छा होता है, तो इससे पहला तो आप चाहे तो इससे पॉट बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी पौधे को लगाने के लिए मिट्टी का जो पॉट होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मिट्टी के पॉट में एरेशन होता रहता है और पौधा हमारा ख़राब नहीं होता। तो पॉट बनाने के लिए क्या करें कि इस मटके के नीचे एक होल बना दें, नीचे होल बना दें, इसके बाद इसमें आप मिट्टी भर करके कोई भी पौधा छोटा छोटा लगा सकते हैं। यहाँ तक कि सब्जियों वाले पौधे भी, जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन हुए, वो भी आप लगा सकते हैं। जैसा छोटा बड़ा मटका रहेगा वैसा ही हार्वेस्टिंग आपको मिलती रहेगी। और बहुत सारे फूल वाले पौधे होते हैं, चाहे सजावटी पौधे होते हैं, उन्हें भी आप इस मटके में होल बना करके और मिट्टी भर करके लगा सकते हैं। तो एक तो इस मटके का आप पॉट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो है कि इस मिट्टी के मटके में आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट आप बनाना चाहें तो इस मिट्टी के मटके में बहुत ही अच्छी तरह से कंपोस्ट बन कर के तैयार हो जाता है। यकीन मानिए, थोड़ा सा भी बदबू नहीं आता इस मटके में हम जब कंपोस्ट बनाते हैं। तो जैसे किचन वेस्ट कंपोस्ट हुआ, तो देखिए इन सारे मटकों में, इस समय मई का महीना चल रहा है और इन सारे मटकों में मैं कंपोस्टिंग कर रही हूँ। कुछ में तो बन गया है, तो देखिए जो बन गया है उसके नीचे मैं कोई मतलब छोटा सा ये ढक्कन रख दी हूँ ताकि सपोर्ट बना रहे, और एक पर 3-3 मटके रखी हूँ और गिरे नहीं। और जिसमें देखिए ये डिब्बा लगाई हूँ, जिस मटके के नीचे, 2 मटकों के नीचे 3-3 का सेट है, और इनके नीचे देखिए ये डब्बा लगाई हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी इसमें नया किचन वेस्ट डाली हूँ तो, और इससे लिक्विड निकलता है, तो लिक्विड निकल करके इन डिब्बों में स्टोर होता है। तो इसलिए इनके नीचे ये डिब्बा लगा दी हूँ, और बाकी जो लगभग तैयार होने वाला है तो उसमें लिक्विड अब नहीं निकलता, तो उसे उसी तरह से रख दी हूँ ढक्कन का सपोर्ट लगा करके। और ये देखिए जो नीम के पत्ते का कंपोस्ट में बनाने के लिए रखी थी मटके में और इस प्लास्टिक में, तो ये भी अभी तो बना नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही तैयार हो जाएगा और मैं आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं अधिकतर क्या करती हूँ कि इन्हीं मटकों में कंपोस्ट बनाती हूँ। कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट, चाहे पत्तों की खाद, चाहे केले के छिलके से, यकीन मानिए कोई भी कंपोस्ट आप चाहें तो इस मटके में बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं बिना बदबू के। और कहीं पर भी देखिए, मैं सीढ़ी, ये मेरी छत पर आने जाने वाली सीढ़ी है और वहीं पर किनारे इस तरह से बना हुआ है, और मैं सारा मटका वहीं पर एकदम लाइन से रखी हुई हूँ।
और यहीं पे ये बनता है, इधर से ही हम लोग छत पे आते जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी बदबू नहीं करता। और जो लिक्विड निकलता है उसके लिए मैं डिब्बा रख दी हूँ, वहाँ पर स्टोर होता है। तो सारे कंपोस्ट से लिक्विड नहीं निकलता, कि सिर्फ किचन वेस्ट कंपोस्ट से ही लिक्विड निकलता है। और बहुत सारे ऐसे कंपोस्ट होते हैं जिनसे कि लिक्विड नहीं निकलता, उन्हें हमें ही भिगोना पड़ता है पानी से बार बार। तो आप भी अपने घर के इस तरह से निकले हुए मटकों का यूज करें कंपोस्टिंग में। और मैं एक यूट्यूब पर देख रही थी एक दिन वीडियो, तो मैंने देखा वहाँ जो है कि मिट्टी का जो है कि कंपोस्ट बिन बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो उसका प्राइस बता रहे थे कि लगभग 2300-2400 रुपया था उस मिट्टी के पार्ट का, जो मिट्टी का पार्ट था कंपोस्ट बिन के रूप में उसे यूज करना था। और इसी तरह से वो बना हुआ था, मान लीजिए ये तो मटका है तो गोल गोल था, वो थोड़ा चौकोर टाइप था और तीन तीन का सेट था। और उसका प्राइस बता रहे थे कि 2300-2400 बता रहे थे। तब मैं देखी तो मैं तो सोची कि इससे अच्छा तो मेरा मटका ही है फ्री का। और इसी तरह से जिस तरह उसमें बनाएंगे उसी तरह से हम मटके में कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और अक्सर हमारे घर में 2-4 तो मटके निकल ही जाते हैं, पूजा पाठ वगैरह होता है तो हम भारतीय हैं तो मटके तो आते ही रहते हैं हमारे घर में। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि यदि आपके घर में भी इस तरह से मटका निकल रहा है, मटका है और आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ यदि आप गार्डनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अपने घर के मटकों का यूज कीजिए, या तो गमला बनाइए या तो उसमें कंपोस्टिंग करिए। कोई भी कंपोस्ट बनाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही जल्दी इस मटके में बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। और यदि आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, तो यही निवेदन है आपसे कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।